हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है मिसल पाव। ये बहुत ही टेस्टी डिश है और ये गुजरात में एक बड़ोदरा जगह है, वहाँ पे बहुत ही फेमस डिश है वहाँ की, और ये बहुत ही हेल्दी डिश है। तो मैं बताती हूँ कैसे बनेगी, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मिसल पाव बनाने के लिए मैंने सारे सामग्री लिया है। ये टोमेटो लिया है, ये जिंजर गार्लिक चिली और क्यूमिन लिया है, और ये मैंने कट करके ले लिया, ये ओनियन को कट करके ले लिया, ये मसाले मैंने लिए हैं, और मैंने और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला, और ये मैंने अंकुरित कर लिया है। एक दिन भिगो के रात में, दूसरे दिन मैंने इसको कैसरोल के अंदर रख दिया था, तो ये अंकुर निकल आए हैं एक दिन में। और फिर इसको बहुत ही ये हेल्दी होता है। ये मैंने कुकर रख दिया है और कुकर में मैंने ऑयल गरम कर लिया। अब ऑयल ऑयल सरसों ऑयल या रिफाइंड जो आपको इच्छा हो ले सकते हैं। और इसके अंदर मैंने ये जिंजर और जीरा और गार्लिक और वो मैंने ऐड कर दिया है। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, देखिए इस तरह से। उसके बाद मैं ओनियन चॉप किया हुआ है, वो ओनियन को भी मैं अच्छे से भून लूँगी इसके अंदर। ओनियन को भी भूनने के बाद मैं ओनियन को हमको अच्छे से भून लेना है, लाल कर लेना है। ओनियन के अंदर थोड़ा साल्ट ऐड कर देना ताकि ओनियन अच्छे से भून जाए। उसके बाद इसके अंदर मैं मसालों को ऐड करूँगी और लो फ्लेम कर दूँगी ताकि मसाले हमारे जले नहीं। मसाले को भूनने से बहुत अच्छा कलर और टेस्ट भी आता है, और लो फ्लेम पे भूनना चाहिए। अब मैं टोमेटो को भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, इसको भी गलने तक मैं पका लूँगी इस तरह से। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी डिश है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसके अंदर जो मैंने और इसके अंदर मैंने मूंग चना को ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसके साल्ट ऐड करने के बाद उसको मैंने 3 विसल लगा लिया है। और उसके बाद तो अभी देखिए मैंने कुकर खोल दिया है और अब मैं सर्व कर रही हूँ, और इस तरह से मैं सर्व कर लूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही हेल्दी डिश है। और क्योंकि अंकुरित चने, मूँग और ये सब ऐसे होते हैं हेल्थ। अब मैं पाव को भी सेक लूँगी, तवा गरम करके चारों तरफ से घुमा घुमा के हमको पाव को सेक लेना है ताकि हमारा पाव अच्छे से सिक जाए। और इस तरह से आप बटर या घी किसी से भी ऑयल रिफाइंड से भी सेक सकते हैं इसको। तो इस तरह से हमें सेक लेना है, और आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही अच्छा बनता है। और तो फ्रेंड्स, मेरा पाव भी सिक गया है और मेरा ये डिश रेडी हो गई है, मिसल पाव। ये बहुत ही हेल्दी डिश है, आप ज़रूर बनाइए, खाइए और बताइएगा मुझे। और मैं इसको सर्व कर लिया था बाउल में, उसके अंदर ऊपर से कटे हुए ऑनियन और टोमेटो को डालूंगी और सेव डालूंगी, और मैं इसके साथ टोमेटो ओनियन सलाद और ये मैंने भुजिया डाला है, और इसके साथ रायता मैंने सर्व किया है। तो ये बहुत ही टेस्टी, और इस तरह से हम इसको खाते हैं। बहुत ही कर्ड भी आप रख सकते हैं, रायता भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। ताकि मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे।